Let's go. तो ये पिरामिड देखने के बाद हम आ चुके हैं द स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने, और अभी हम आ चुके हैं द टावर ऑफ पीसा देखने, और ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है। और हिंदुस्तान के आगरा शहर का ताज महल, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क की फीस 100 रुपए से ऊपर होती है, 400-500, और इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी हम खड़े हैं वर्धमान फैंटेसी अम्यूजमेंट पार्क के सामने, और ये इतना सस्ता है कि आप सुन करके शौक हो जाओगे और आपका भी मन करेगा कि दौड़े दौड़े आ जाए। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आना कैसे है। ये है मीरा रोड में, तो अभी आपको आना पड़ेगा मीरा रोड स्टेशन पे, और वहाँ से ऑटो या बस लेकर के आप आ सकते हो और इसको एंजॉय कर सकते हो। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और आपको हम इसकी एंट्री फीस दिखाते हैं कितनी है। हाँ, थैंक यू। तो हमने टिकट ले लिया और आप देख सकते हो कि पर पर्सन सिर्फ 2 रुपए, और हम तीनों का मिला करके हुआ 6 रुपए। तो हाँ, ये सच में ये इतना ही सस्ता है 2 रुपए में, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए ही 2 रुपए है। चलो अभी देखते हैं कि अम्यूजमेंट पार्क कैसा है, क्योंकि 2 रुपए में एंट्री मिल रही है, तो अंदर का देखना है अभी आपको कि कैसा है अंदर। यहाँ पे हमें हमारे सबसे पहले सपोर्टर मिल गए हैं। तो आते ही आपको यहाँ पे ये टॉय ट्रेन दिख जाएंगी, बच्चों और बड़ों सबके लिए है। अभी पूछते हैं राइड का कितना है। अंकल, राइड का कितना है? 50 पर पर्सन। अच्छा, 3 राउंड, ओके। तो आगे बढ़ते ही ये जीप और बाइक राइड मिल जाएगी, और चलो अभी इसका भी रेट पूछते हैं। अंकल, इसका रेट क्या है? 50 और आगे बढ़ते ही आपको ये प्यारा सा फाउंटेन मिल जाएगा, जो बहुत खूबसूरत है, और जब रात होती है और लाइट चलती है तब तो ये और खूबसूरत दिखता है, पर हम इसके अंदर जा कर के थोड़ा रेनफॉल के मज़े नहीं ले सकते। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे आपके राइट साइड में आपको दिखेगा बहुत सारी शॉप, जैसे कि खाने पीने की, और ये मेहंदी शॉप है, और यहाँ पे भी थोड़े बच्चों के लिए गेम्स है, गेम जोन है। तो यहाँ अम्यूजमेंट पार्क का सबसे अट्रैक्टिव चीज़ और मेन चीज़ है यहाँ का 7 वंडर्स। तो हम आपको सबसे पहला वंडर दिखाते हैं, द कोलोसियम, जो इटली के रोम शहर में स्थित है, और अब ये मीरा रोड में भी आ गया है, मतलब इसका डुप्लीकेट। और सेकेंड है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और आप देख सकते हो ये कितना बेहतरीन बना हुआ है, और इसके आसपास ये सिपाही भी खड़े हैं, और इसकी हिस्ट्री भी वो बड़े से बुक पे लिखी हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डुप्लीकेट तो बनाया है, पर डुप्लीकेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम आ चुके हैं द टावर ऑफ पीसा देखने, और ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है, और ये किस सिटी का है वो आप लोग बताओगे कमेंट्स में। अब हम आ चुके हैं मेक्सिको शहर में, और ये है चिचेन इट्ज़ा, जो मेक्सिको का एक शहर है, और ये पिरामिड से भरा हुआ है, और ये पिरामिड आप देख सकते हो कि ये कितना खूबसूरत पिरामिड बना हुआ है। तो ये पिरामिड देखने के बाद हम आ चुके हैं द स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने, और आप देख सकते हो मतलब हर 7 वंडर्स के सामने एक सिपाही लगा के रखे हैं, ताकि कुछ तोड़फोड़ ना हो जाए। तो अभी हम द स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के बाद चलते हैं क्रिस द रिडीमर देखने। तो क्रिस द रिडीमर है ब्राज़ील शहर में, और ये अभी इनकी हालत थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, और कुछ दिन में इनकी हालत भी सुधर जाएगी। अगर कोई सिटी का नाम हमने गलत बताया हो तो उसके लिए अभी से सॉरी, या कोई हमने 7 वंडर्स में से किसी भी वंडर का नाम गलत बताया तो उसके लिए भी सॉरी। तो ये है आईफिल टावर पेरिस का, और ये डुप्लीकेट ही इतना खूबसूरत है, तो रियल में कितना खूबसूरत होगा, और बीच में उसके एक लाइट भी लगी है। हम आपको अपने हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाते हैं। तो ये है हिंदुस्तान के आगरा शहर का ताजमहल, और हम ताजमहल भी घूम चुके हैं जब हम दिल्ली गए थे, और इसका डुप्लीकेट वर्जन भी अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर, और इतना डिटेलिंग करा हुआ है कि गेट भी बना हुआ है। वाह! तो अभी हम आ चुके हैं अम्यूजमेंट पार्क के झील पे, और आप देख सकते हो ये लेक व्यू कितना अच्छा मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ पे बोट राइडिंग भी है, और पर पर्सन 70 रुपीज़ है 5 साल से बच्चों के ऊपर का। नहीं मनी नहीं, थोड़ी बुद्धि डाल दो मेरे भाई के दिमाग में। हाँ, तो अभी वो अभी सोच रहा है, जिन लोगों को सोच रहा है क्या,
चलो मानू की नहीं मानू। हाँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे तभी जिन हमारी बात मानेगा, तो जल्दी से लाइक कर। हाँ। अभी हमने आपको सेवन वंडर्स दिखा दिया, तो अभी हम आपको फन से भरी हुई चीज दिखाएंगे, राइड एंड और सारी एक्टिविटीज। तो चलो ये सारी हम आपको बताएंगे, नाम और इनका रेट भी पूछते हैं। आपका नाम क्या है? ऐसा। और आपका? ये हमने कुछ नया देखा है जिसपे सब लोग बॉल के ऊपर कूद रहे हैं। हाँ ये नया है, और सादिम की एक्साइटमेंट से पूरा सादिम फट चुका है, तो अभी बोल रहा है कि मुझे करना है। तो सारे राइड का 50 है। अच्छा, तो सारे राइड का यहाँ पे 50 रुपीज़ है। तो आपने इसको बहुत सारे रील शॉर्ट वीडियो और टिकटॉक के वीडियोस में देखा होगा, और हमारी भी बहुत सारी यहाँ की वीडियोस हैं। तो चलो अभी इसके आगे चलते, और इसके आगे भी बहुत सारी एक्टिविटी है, तो उसको भी देखते हैं। और यहाँ पे ये चार वाला झूला है, मतलब चार लोग बैठ करके इसे एक साथ में झूल सकते हैं, पूरा ये घूमेगा। और ये ट्रैम्पोलिन जो सादिम को पता ही नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उसके बाद ये जो ये लोग कर रहे हैं सबसे हाल है, ये अपनी कुर्सी के पेटी बाल लो, मौसम बिगड़ने वाला है। और ये वाला झूला भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अभी कोई इस पर बैठा हुआ नहीं है, मतलब चालू है पर कोई बैठा नहीं है, अभी खाली है, ये पब्लिक अभी आ रही है। और मैं इस पर एक बार झूल भी चुकी हूँ, और इस साइड पे थोड़ा सिटिंग एरिया है, छाँव में आप बैठ सकते हो। और यहाँ पे ये हमारी वो जो शिप है वो भी ड्रैगन के स्टाइल में। और ये यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है फन ब्लास्ट ट्रैम्पोलिन पार्क, 200 पर पर्सन है, वो भी 20 मिनट के लिए, और अगर 250 रुपीज़ देंगे तो 30 मिनट हो जाएगा। और सैटरडे और संडे को प्राइस बढ़ा हुआ है 300 रुपये पर पर्सन 30 मिनट के लिए। यहाँ पे ब्रेक डांस जो अभी चल रहा है, और ये 9D थिएटर, तो इसमें ऐसा लगेगा कि 3D वाली, मतलब वैसा ही आपको सनग्लासेस पहना करके बहुत अच्छा आपको मूवी देखने का एक्सपीरियंस रहेगा। ये ट्रेन क्रॉसिंग बना हुआ है, और ये ट्रेन की सच में लिटरल वाली पटरी बनी हुई है, और ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस होके जाती है, और जब भी ये जाती है तब हमें क्रॉस नहीं होना। इसका कितना रेट है? अच्छा, तो इस अम्यूजमेंट पार्क की एंट्री का है 2 रुपए, बट ये जो सारी एक्टिविटी है ये आपको 2 रुपए में नहीं मिलने वाली, आपको इसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी हम भी यहाँ पे बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक, यहाँ पे कुछ ज्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है, तो पता नहीं आपको वॉइस क्लियर आई होगी कि नहीं। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी अब चलने लगी है, बिकॉज ज्यादा लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, और हमारे पीछे यहाँ पे कार चल रहा था, और अब सादिम को भी ये करना है, मैं भी करूँगा। तो अभी लोग टिकट लेने जा रहे हैं, इनको कोई एक्टिविटीज करना है। मेरे को नहीं झूला, अकेले अकेले झूल लिया तू, है ना? शीटिंग शीटिंग। आपका नाम क्या है? फातिमा। अच्छा, फातिमा कितना प्यारा नाम है। मैं आपकी वीडियो हर रोज देखती हूं। थैंक यू। आप वीडियो में आओगे? हां, वीडियो में। बड़ी फैन होती 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 बहुत बड़ी है। इसके पीछे पड़ो सब लोग। या टाटा बाय बाय। इसका नाम अलीना है, और ये अपने पूरे फैमिली के साथ है। हाँ, ये मम्मी है। हाँ। और ये इनका भाई है। ये खतरनाक वाला झूला झूलने जा रही है। ये मेरे हाथ में मेरी टिकट है। अब ये झूला स्टार्ट हो गया है। अरे कहाँ है? ओह,
अच्छा थैंक यू। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ भाई मिल गए हैं, तो इनका ये लाइव स्क्रीनिंग हो रहा है आईपीएल मैच का, तो अभी अंदर यहाँ पे लगा हुआ है, तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं। चलो फाइनली आ जाओ, मुंबई और सीएसके और गुजरात का फाइनल है आज। अच्छा, तो यहाँ द कोलोजियम जो आप देख रहे हो, ये सेवन विंडर्स का एक हिस्सा है, तो इसके अंदर एक हॉल है, तो एक स्टेडियम भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे हमें आज आईपीएल का फाइनल है चेन्नई और गुजरात के बीच में। मैं मैच इतना देखती नहीं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। तो अभी वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, तो चलो इवेंट में चलते हैं। और वहाँ पे बहुत सारा मजा भी आने वाला है, बिकॉज गेम और एक्टिविटी भी है, तो हमें इनविटेशन मिला है, तो चलो खेला जा रहा है। स्टंप पे बॉल मारो, अगर बॉल लग गया स्टंप पे तो आईपीएल देखने का फ्री टिकट। तो अभी सालिम मारेगा ना, सालिम बहुत ही गंदा मारा, सालिम ने बहुत ही गंदा मारा। एक चांस और, एक चांस और, चलो सालिम एक चांस और। यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए, और ये जिन्होंने मतलब ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उनका ये बैनर लगा हुआ है सबका, आप देख सकते हो। कहाँ रहते हो आप? मेरा रोड में रहते हो? गीतानगर में। मैच देखने आ रहे हैं? मैच देखने आ रहे हैं ना, टिकट को भाई ने टिकट ले लिया है, हमारे साथ मैच भी देखेंगे, साथ में देखेंगे, इंजॉय करेंगे मस्त। चलो आ जाओ। और यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, इसमें 3000 लोग बैठते हैं, और यहाँ पे ऊपर पूरे 3000 लोग बैठ सकते हैं, और हम लोग भी इनवाइटेड है, और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जमा होने लगी, और ये स्टेडियम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी लाइट लग गई है, और वहाँ पे पापा और सादिम बैठा हुआ है, हम लोग एकदम बीचों बीच बैठे हुए, और आपको यहाँ से सीधा डायरेक्ट व्यू दिखाएंगे। तो हमारी भी एक टीम बन गई है, 5 लोगों की, देख लो। अब हम भी मैच खेलेंगे और देखते हैं। और अभी मैच डिले हो गया है थोड़ा, क्योंकि बारिश हो रही है वहाँ पे। किस किस ने इसे देखा है? मैंने तो देखा है। कौन कौन देखा है? कौन बताएगा ये कौन है? ठीक है, आज आपकी पहचान ऑडियंस खुद बताएगी। ये सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है ना, कि एक आर्टिस्ट जब कहीं स्टेज पर जाए या कहीं पर जाए, और ऑडियंस खुद बताए कि मैं इस आर्टिस्ट को पहचानती हूँ या पहचानता हूँ, फिर वो बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए। हाँ कि नहीं, है ना? यस यस बोल रहा है। ठीक है, कौन बताएगा आप में से कि ये कौन है? बता बता ना। यूट्यूबर है? यूट्यूबर है। डांसर है? डांसर है। व्लॉग बनाता है? और क्या, और क्या क्या करता है यार, एकदम इंस्टाग्राम पे पावर पैक टैलेंट है इसमें, फुल पावर मैन, फुल पावर। ठीक है, फुल पावर। ठीक है, एक बार जोरदार ताली है बच्चे के लिए। ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, रील्स बनाता है, और काफी ट्रेंडिंग है। मैं तो जब भी रील्स को स्क्रॉल करता है दिख जाता है। ठीक है, मेरा नाम सादिम खान है, और मेरे यूट्यूब पे 8 लाख सब्सक्राइबर्स है, और इंस्टा पे 1 लाख फॉलोवर्स है। आज आप यहाँ पे माइसेल बोलने वाले हो, या डांस करने वाले हो, या कुछ और? डांस करोगे? क्या बात है, जोरदार ताली, चीयर अप करो यार छोटे से बच्चे के लिए। क्या बात है, क्या बात है। प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सादिम। ठीक है, पूछो सादिम। ये हमारे दुबई एनर्जी ड्रिंक के तरफ से द पावर पैक
ऑफ एनर्जी सारी माप के लिए, अपनी और एनर्जी बढ़ाओ और इसी तरह अपने टैलेंट को आगे लेते जाओ। सारी एक बार फोटो एनर्जी ड्रिंक एक बार ऐसे जोर से एकदम से आगे दिखाना है। 1 2 3 फुल पावर। यस, जोर से तालियां सादिम के लिए। सादिम जो मैच और डिले होने के कारण अभी इंडिया और पाकिस्तान का हाईलाइट लगा दिया गया है 2022 का, और ये हाईलाइट देख के इतना चिल्ला रहे हैं। यहाँ पूरी भीड़ लग गई है, यहाँ बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़की है, आपको जो देखना है सबसे गंदी यही है। बिकॉज मैंने मेकअप नहीं किया, यहाँ पे सबका लुक चेंज है, और जब मेकअप उतर जाएगा तब आप सबका लुक। यहाँ पे दावत थी इसलिए यहाँ सब मिल गए, और हमें दावत में नहीं बुलाया। हाँ नहीं, अच्छा नहीं बुलाया। तो बारिश रुकी नहीं इसलिए हम आ गए बाहर, और पता नहीं मैच होगा कि नहीं, शायद हमें कल घर बैठे बैठे मैच देखना पड़ जाए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं कि सादिम जीत गया था सादिम का डांस, और माइसेल्फ तो उसने बोला नहीं पर डांस बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने सादिम को एक गिफ्ट दिया। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। थैंक यू, बाय।